हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं फ्रेंड, देखिए पिछले वीडियो में फ्रेंड हमने इस सीरीज में 50 क्वेश्चन तक हल कर लिया था फ्रेंड। उसके बाकी के क्वेश्चन जो है हम आज इस सीरीज में हल करेंगे फ्रेंड। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं फ्रेंड। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें मित्र, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मित्र, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, रंग प्राय पानी में घोले जाते थे, इसमें क्या मिलाया जाता था। देखिए फ्रेंड, ये मुगल काल की बात हो रही है, ठीक है। मुगल काल में रंग प्राय पानी में घोले जाते थे और इसमें क्या मिलाया जाता था। नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी गोद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी गोद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, जहांगीर के मृत्यु के साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई, यह कथन किसने कहा। तो आपको बताना है, जहांगीर के मृत्यु के साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई, यह कथन किसने कहा। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पर्सी ब्राउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है। तो आपको बताना है, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने किया। तो आपको बताना है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बाबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है। तो आपको बताना है, मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी अमीर ए हमजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है, दस्ताने अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं। तो आपको बताना है, जो दस्ताने अमीर हमजा है उसमें कितनी कहानियां हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 360, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहाँ है। तो आपको बताना है, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहाँ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, इत्मद उद दौला का मकबरा कहाँ है। तो आपको बताना है, इत्मद उद दौला का मकबरा जो है मित्र कहाँ पर स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी आगरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो आपको बताना है, जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो कहाँ पे है। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो आपको बताना है, जो निम्नलिखित में से कौन सी इमारत है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मोती मस्जिद, ठीक है। जो मोती मस्जिद इमारत है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 है, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है। तो आपको बताना है, अलाई दरवाजा जो है निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है। जो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कुतुब मीनार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 का है, बुलंद दरवाजे का निर्माण काल क्या है। तो आपको बताना है, जो बुलंद दरवाजे का निर्माण काल है फ्रेंड वो क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1601 से 1602 के मध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, 1590-1595 ईस्वी के मध्य बनी गोवर्धन धारण श्री कृष्ण की कृति किसके शासनकाल में बनी। तो आपको बताना है, जो गोवर्धन धारण श्री कृष्ण की कृति है वो किनके शासनकाल में बनी। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है, गोवर्धन धारण श्री कृष्ण 1590-1595 कृति किसकी है। तो आपको बताना है, जो गोवर्धन धारण श्री कृष्ण की कृति है वो किसकी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मिस्किन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है, मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण हुआ।
तो आपको बताना है जो मुगल जगत के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण हुआ है वो किसने किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 66 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अबुल हसन द्वारा। ठीक है, यानी अबुल हसन द्वारा। देखिए मित्र ऊपर का क्वेश्चन छूट गया है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है सोन नदी को पार करते बाबर नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया। तो आपको बताना है जो सोन नदी पार करते बाबर का जो चित्र है उसको किसने बनाया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जगन्नाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है सोन नदी को पार करते बाबर नामक चित्र किस संग्रहालय में है। तो आपको बताना है जो सोन नदी को पार करते बाबर चित्र बनाया गया है 1598 से 1599 के बीच वो किस संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, वो किस संग्रहालय में रखा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 का है, जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है जिसने जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए चित्रित किया। तो मित्र आपको बताना है जो प्रसिद्ध चित्रकार का नाम जिसने जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए चित्रित किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अबुल हसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का है, बाज पक्षी का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा बनाया गया। तो आपको बताना है जो बाज पक्षी का प्रसिद्ध चित्र बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी मंसूर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया। तो मित्र आपको बताना है जो जहांगीर के कौन से चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 4, यानी अबुल हसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 है, अपनी स्थापत्य कला शैली के लिए जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है अपनी स्थापत्य कला शैली के लिए जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का है, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया। तो आपको बताना है जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है मुगलों के किस इमारत में रखा गया है मित्र। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी दिल्ली लाल किले के दीवाने खास में। ठीक है, जो ये मयूर सिंहासन है वो दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए किस समय का है। तो आपको बताना है जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए किस समय का है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1620 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र क्वेश्चन नंबर 74 का है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रसिद्ध था। तो आपको बताना है जो जहांगीर दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर था वो प्रसिद्ध था किसमें। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी चिड़ियों और पशुओं के चित्रों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का है, ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था। तो आपको बताना है ख्वाजा अब्दुल समद जो किसके दरबार का चित्रकार था मित्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 का है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर कालीन नहीं था। तो आपको बताना है जो निम्नलिखित में से चित्रकार है ऐसा कौन सा चित्रकार है जो अकबर कालीन नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी अबुल हसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, दिल्ली सल्तनत युग में किस ललित कला का सर्वाधिक उन्नति हुई। तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत युग में किस ललित कला की सर्वाधिक उन्नति हुई। तो जो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी स्थापत्य और भवन का निर्माण कला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 है, जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए यह चित्र व्यक्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आपको बताना है जो जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए यह व्यक्ति चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है। देखिए अभी एक ऊपर ये क्वेश्चन आया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी काबुल। ठीक है, देखिए मित्र यहाँ पे बताया गया, जो कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं फ्रेंड, तो आप लोग का कमेंट और लाइक जो है बहुत अच्छा लगता है और इससे मोटिवेशन हमको मिलता है फ्रेंड वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का है फ्रेंड, जहांगीर का सिंहासन रोहण जहांगीर ने किस चित्रकार द्वारा बनवाया गया। तो मित्र आपको बताना है जहांगीर का सिंहासन रोहण जहांगीर के किस चित्रकार द्वारा बनवाया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अबुल हसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का है, हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था। तो आपको बताना है हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। तो आपको बताना है जो बुलंद दरवाजा है उसको किसने बनवाया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अकबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव किस मुगल शासक के काल में दिखाई देता है। तो आपको बताना है यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव किस मुगल कालीन शासक के काल में दिखाई देता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी जहांगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है जो जहांगीर महल है वो कहाँ स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी आगरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है, शाहजहां किसके लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो आपको बताना जो शाहजहां थे वो किसके लिए अधिक प्रसिद्ध थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 85 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी स्थापत्य कला। ठीक है, जो शाहजहां थे मित्र वो स्थापत्य कला के लिए जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है, चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल था। तो आपको बताना है जो चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशल कौन था फ्रेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जहांगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है, राजकुमार सलीम का जन्म के समय के कितने उपदृश्य दिखाए गए हैं। तो आपको बताना है जो राजकुमार सलीम के जन्म के समय के कितने उपदृश्य दिखाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी चार उपदृश्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है, नादिर उल असर की उपाधि से जहांगीर ने सिख चित्रकार को सम्मानित किया। तो आपको बताना है जो नादिर उल असर की उपाधि था फ्रेंड जहांगीर ने किस चित्रकार को दिया था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी मंसूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है, शेर का शिकार करते जहांगीर किस चित्रकार की कृति है। तो आपको बताना जो शेर का शिकार करते जहांगीर चित्र है वो किसने बनाया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मनोहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया। तो आपको बताना जो शेख फूल सूफी संत है उसको किसने चित्रित किया। तो जो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी बिशन दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है, मोर मोरनी टर्की काक एवं बाज का चित्रांकन किया। तो आपको बताना है जो मोर मोरनी एवं टर्की बाग का चित्रांकन किया था वो कौन से चित्रकार थे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मंसूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है, दरबारी चित्र शिल्प में कौन से चित्र आते हैं। तो आपको बताना है दरबारी चित्र शिल्प में कौन से चित्र आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी शाही दरबार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है, कौन ग्रंथ मुगल शैली में है। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा निम्नलिखित ग्रंथ है जो मुगल शैली का है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी रजमनामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 का है, मुगल शैली का पतन किस समय हुआ।
तो आपको बताना है जो मुगल शैली का पतन हुआ था वो किस समय में हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 17वीं से 18वीं सदी में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये औरंगजेब के शासनकाल में जो है मुगल शैली का जो है पतन शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है मुगल चित्रकला में यथार्थता कब आई। तो आपको बताना है मुगल चित्रकला में यथार्थता कब आई। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी यूरोपियन शैली से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है अकबर का यूरोपियों से प्रथम साक्षात्कार कब हुआ। तो आपको बताना है जो अकबर थे उनका यूरोपियों से प्रथम साक्षात्कार कब हुआ। तो जो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सन 1573 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है मुगल चित्रों का विषय क्या था। तो आपको बताना है मुगल चित्रों का विषय क्या था। तो जो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी दरबारी शान शौकत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है शाहजहां की मृत्यु कब हुई। तो आपको बताना है शाहजहां की मृत्यु जो है कब हुई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1666 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 है नूर जहां का सभी वाला चित्र जहांगीर के समय में किस कलाकार की श्रेष्ठ कृति है। तो आपको बताना है जो नूर जहां का सभी वाला चित्र है वो जहांगीर के समय में किस कलाकार की श्रेष्ठ कृति है। तो जो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी विशन दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है नील गाय का चित्र किसने कृति किसकी कृति है। तो आपको बताना है जो नील गाय चित्र है वो किसकी कृति है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मंसूर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार। तो आपको बताना है जो जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार कौन था। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी उपर्युक्त सभी मंसूर मनोहर अबुल हसन उपर्युक्त सभी जो है जहांगीर समय के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 का रहा है शेख सूफी संत बिशन दास का चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आपको बताना है जो शेख सूफी संत बिशन दास जी थे उनका चित्र जो है किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी भारत कला भवन वाराणसी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 का रहा है बाज पक्षी का चित्र जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है की पृष्ठभूमि का रंग क्या है। तो आपको बताना जो बाज पक्षी है जो उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित किया गया है उसका जो पृष्ठभूमि है उसका रंग कैसा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी पीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 का है शाहजहां के समय का चित्रकार कौन था। तो आपको बताना है जो शाहजहां के समय के चित्रकार थे वो कौन थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी उपर्युक्त तीनों। ठीक है, चित्रमन मीर हासिम होनहार ये तीनों जो थे वो शाहजहां के समय के चित्रकार हैं। ठीक है, चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 का रहा है पादशाहनामा ग्रंथ किसके शासनकाल की सर्वोत्तम कृति है। तो आपको बताना है पादशाहनामा जो ग्रंथ है वो किसके शासनकाल की सर्वोत्तम कृति है। तो जो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी शाहजहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 का रहा है कबीर और रैदास का प्रसिद्ध चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया। तो आपको बताना है जो कबीर और रैदास का प्रसिद्ध चित्र है मित्र वो किसके द्वारा चित्रित किया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी फकीर उल्ला खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 का रहा है कबीर और रैदास किस समय के चित्र हैं। तो आपको बताना जो कबीर और रैदास हैं वो किस समय के चित्र हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर यानी 1640 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मित्र ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी हम नया सीरीज जो है नए वीडियो में लेके आएंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कबीर और रैदास का चित्र किसके शासन में बना। तो आपको बताना जो कबीर और रैदास का चित्र है मित्र वो किसके शासन में बना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 108 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी शाहजहां के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।